बसमिल के फ़ाई नबी पाक सल्हु वसम ने फ़रमाया अपनी औरतों को सूरत वाक़ पढ़ाओ क्योंकि यह तोरी वाली और मालदारी की सूरत है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ऱीत अनहों से रिवायत है कि मैंने नबी पाक सी वसम से सुना जो आदमी हर रात सूरत वाक्य पढ़ेगा तो उससे कभी फाका ना होगा इबन मसूद रजी अल्लाह तहो अपनी बच्चियों को हर रात इस सूरत के पढ़ने का हुक्म देते थे सूरत वाक़ को अगर कोई शख्स रोज़ पढ़ना अपना मामूल बना लेता है तो मौत का वक्त जब आएगा अल्लाह ताला उसकी जानकनी में नरमी फरमा देगा और जान निकलते वक्त उसे तकलीफ़ बिल्कुल ना होगी और क़ब्र की मंजिल भी आसान होगी अगर किसी शख्स की पैदावार में नुकसान हो जाता है तो उसे चाहिए कि उस सूरत को तीन मरतबा पढ़े और बीज बोने से पहले बीजों पर दम करे उसके बाद उन बीजों को काश्त करे पैदावार में इजाफ़ा होगा और फसल जुमला आफात से महफूज रहेगी जो शख़्स सूरत वाक़ा की बिलानागा रोज़ाना तिलावत करे उसको हर किस फाक़ा ना पहुँचेगा इस सूरत की मुसलसल तिलावत से अल्लाह ताला तिलावत करने वाले को गुरबत, अफलास और फाक़े से महफूज रखता है इसलिए इस सूरत को सुरत गनी, यानी दौलतमंद सूरत भी कहा जाता है हज़रत स्मान रजी अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो की बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए पूछा कोई शिकवा अब्दुल्ला कहने लगे अपने गुनाहों का फिर पूछा कोई ख़्वाहिश कहने लगे अपने रब की रहमत की हज़रतमान रज़ी अल्लाह तन्ों ने फिर पूछा किसी तबीब को भेज दूँ हज़रतब्दिल्ला रज़ील्ला तहो कहने लगे तबीब ने खुद ही बीमार कर दिया है पूछा कुछ माल भेज दूँ कहने लगे माल की कोई हाजत नहीं और शायद आपको मेरे बाद बच्चों की नस्बत तंगदस्ती का डर है सुनिए मैंने अपने सब बच्चों को कह दिया है कि वह हर रात सूरत वाक्या पढ़ लिया करें मैंने नबी पाक सल्ला वसल्लम से सुना है कि जो शख्स सूरत वाक्या को हर रोज़ पढ़ लिया करे उसको हर गिस्वा का ना पहुँचेगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइफ विद सोया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाले नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके आपकी मोहब्बतों का आपकी चाहतों का बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए बेचैन दुआओं में याद रखिए खुश रहें खुश रखें असलकुम वरहमतुल्लाहि वबरकू